दोस्तों, सांप एक घातक शिकारी होते हैं और जब वो किसी शिकार को देखते हैं तो वो अपने शिकार को पकड़ने से नहीं चूकते। लेकिन उनके कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो उन्हें करारा जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लान के मुताबिक नहीं होती। और अगर आप सांप को जीतते और हारते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सांप के कुछ ऐसे हमले दिखाने वाला हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्नेक वर्सेस टॉड। दोस्तों, इस फुटेज में एक मेंढक है जो इस भूखे सांप पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है और देखने में ऐसा लगता है कि ये मेंढक को निगलने वाला है। ये आखिरी चीज है जो इन दोनों के बीच होने जा रही है, क्योंकि ये मेंढक बहुत ही जहरीला है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मेंढक पानी में तैर रहा है और इसके आसपास कहीं भी सांप मौजूद नहीं है। इस सांप को जल्दी से पता लगने वाला है कि एक जहरीले मेंढक पर हमला करना कैसा होता है। ये पहले तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आखिर में ये सांप के मुंह में एक घटिया और खतरनाक स्वाद छोड़ता है, जिसके बाद ये सांप सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसे खाए या फिर नहीं। इस वीडियो को शूट करने वाले व्यक्ति का कहना है कि जब इस सांप ने इस मेंढक के जहर का स्वाद चखा तो उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। और इस अगली फुटेज में भी एक सांप है जो मेंढक को निगल रहा है, लेकिन इस बार शूट करने वाले व्यक्ति ने उन दोनों को लकड़ी से उठाकर दूर फेंक दिया। नंबर 9, स्नेक वर्सेस लिजर्ट। दोस्तों, समुद्री छिपकलियां सांपों का आहार होता है और इन छिपकलियों का जीवन कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि इन्हें अपने जिंदगी के सबसे बड़े सफर में इन तेज तर्रार सांपों के बीच से होकर गुजरना होता है, जहां कदम कदम पर इन पर सांपों का हमला होते रहता है, जिससे बचकर इन्हें अपनी जिंदगी हासिल करनी होती है। अब जरा इस फुटेज को देखिए, जहां छिपकली और सांप की लड़ाई चल रही है, जिसमें छिपकली सांप पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रेगिस्तानी छिपकली है जो चारों तरफ नजरें घुमाकर स्थिति का जायजा ले रही है और ये पूरी तरीके से चौकन्नी है, लेकिन तभी उसे रेत में कोई हलचल दिखाई देती है, जिसके कारण वो रुक जाती है और तभी उस पर इस सांप का खतरनाक हमला हो जाता है, जो इस छिपकली की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ये छिपकली इन सांपों के लिए सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि पानी का भी एकमात्र स्रोत होती है। नंबर 8, कंगारू रैट वर्सेस स्नेक। दोस्तों, ये फुटेज ये बताता है कि एक चूहा भी लात मारकर सांप को धूल चटा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंगारू चूहे हैं जो अपने शिकारियों को लात मारकर धूल चटा देते हैं। ये वो जीव हैं जो रात के समय अपने प्राकृतिक आवास में बड़ी आजादी से घूम फिर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रजातियां रात के समय अच्छे से देखने में सक्षम होती है। ये सांप एक ऐसा शिकारी है जो रात के समय दुबक कर अपने शिकार पर हमला करता है, लेकिन ये कंगारू चूहा भी अपने हुनर की बदौलत उछलकर अपने शिकारी से बच निकलता है। इनके शक्तिशाली किक और ऊंची छलांग के कारण इसका नाम कंगारू रैट रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों द्वारा कैमरों की मदद से इन चूहों पर नजर रखी जा रही है, ताकि इनके जीवित रहने की रणनीतियों का अध्ययन किया जा सके। और इस अध्ययन में उन्होंने ये पाया कि ये चूहे अपने हुनर की बदौलत सांप के हमले का पहले से ही पता लगा लेते हैं, जिसके बाद ये सही समय पर एक्शन लेकर उन्हें लात मार देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चूहा प्लान बनाकर सांप को धूल चटाता है। हालांकि ऐसा बार बार नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चूहे इन हमलों को हवा के दबाव से सुन सकते हैं, जिसके कारण ये तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी ये ऐसी लड़ाइयां हार जाते हैं। नंबर 7, मैंटिस वर्सेस स्नेक। दोस्तों, वैसे तो सांप एक खतरनाक शिकारी होते हैं, लेकिन इस फुटेज में ये सांप एक दूसरे शिकारी के चंगुल में फंसा हुआ है। ये मैंटिस एक सही समय का इंतजार करता है और सांप को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये सांप को खाना शुरू कर देता है। ये सांप इसे बचना तो चाहता है, लेकिन इस हालत में ये हिलने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि इस मैंटिस ने इसे अपने पैरों से जकड़ रखा है और ये लगातार इसे काटता जा रहा है। अगर सही तरीके से कहा जाए तो ये सांप को जिंदा ही खा रहा है। इस फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये सांप बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं है,
जिसके कारण यहाँ इस मेंटिस की जीत होती है। नंबर 6, स्नेक वर्सेस कैट। इस फुटेज में एक रेगिस्तानी बिल्ली है जो अचानक एक रेगिस्तानी सांप के सामने पहुंच जाती है, जिसके बाद इस सांप के पास इस बिल्ली पर हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, जिसके बाद इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बिल्ली कई बार सांप के सिर पर हमला करती है और इसके तेज पंजों के कारण सांप इस बिल्ली तक नहीं पहुंच पाता। ये लड़ाई बहुत ही लंबी और कठिन होती है, जब तक इन दोनों में से किसी एक को गहरी चोट ना लग जाए, और इस लड़ाई में ये जीत इस बिल्ली की होती है। इस अगली फुटेज में भी ये सांप और बिल्ली आमने सामने हैं। इन्हें देखकर नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी। यहाँ ये सांप बिल्ली से लड़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन कुछ हमलों के बाद ये सीधे उसके मुंह पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये बिल्ली झटपटाकर वहां से भाग जाती है। और अगर ये रैटल स्नेक है तो इस बिल्ली का हाल बहुत बुरा होने वाला है। नंबर 5, बनी वर्सेस स्नेक। दोस्तों, जब एक खरगोश अपने घोंसले की सुरक्षा करता है तो वो एक खतरनाक सांप पर भी भारी पड़ जाता है। ये फुटेज तब रिकॉर्ड की गई है जब वहाँ के रहने वाले लोग अपने बगीचे में काम कर रहे थे। इन लोगों ने इस लड़ाई में कोई भी दखल नहीं दिया और कुछ देर बाद खरगोश की बहादुरी के सामने सांप ने भी खुद ही हार मान ली। इस अगली फुटेज में भी एक खरगोश है जिसके पीछे ये सांप पड़ा हुआ है और ये धीरे धीरे इसके करीब पहुंच रहा है। इस फुटेज को फिल्माने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसके सामने खड़ा है, लेकिन कुछ देर बाद ये खरगोश पूरी तरह से अचेत हो जाता है। इसका मतलब हम यही निकाल सकते हैं कि इस फुटेज के शुरू होने से पहले ही इस सांप ने खरगोश को काट लिया था। नंबर 4, स्नेक वर्सेस हैन। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि ये मुर्गी अपने बच्चों को इस कोबरा से बचाते हुए दिखाई दे रही है। इस मुर्गी की पूरी कोशिश होती है कि ये अपने बच्चों को इस कोबरा से दूर रखे, लेकिन ये कोबरा भी इतना ढीठ है कि जैसे तैसे बच्चों के बीच पहुंच जाता है, और बच्चे भी इतने समझदार हैं कि उसके वहां पहुंचते ही वहां से भाग निकलते हैं। इस अगली फुटेज में भी एक कोबरा है जिसने इस मुर्गी के बच्चों को देख लिया है, और ये मुर्गी भी अपनी पूरी ताकत से इस कोबरा को भगाने में लगी हुई है। ये मुर्गी अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में छलांग लगाती है ताकि ये सांप को डराकर वहां से भगा सके, लेकिन इसके बाद भी ये कोबरा कुछ कोशिशें करता है, जिसके बाद उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। नंबर 3, ईगल वर्सेस स्नेक। दोस्तों, इस फुटेज में खुली जगह है जहां ये ईगल सांप के ऊपर बैठा हुआ है। ये ईगल इस सांप को अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़ा हुआ है, जिसके कारण ये सांप हिलने में सक्षम नहीं है और ये लगातार उसे नोचे जा रहा है, और कुछ देर बाद ये उसे मार देगा। इस अगली फुटेज में ये चील एक सांप को लेकर उड़ रहा है और कुछ देर बाद ये उसे नीचे फेंक देता है। जब इस दृश्य को फिल्माने वाला व्यक्ति पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये सांप मर चुका है। इस अगली फुटेज में एक भूरे रंग का चील है जो इस खतरनाक कोबरा पर हमला करने की ताक में है, और कोबरा भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तभी ये चील कोबरा के सिर पर हमला कर देता है और ये खेल खत्म हो जाता है। इस अगली फुटेज में भी इस बाज ने एक सांप को फंसा लिया है और उसे अपने पंजों से जकड़ रखा है। ये बाज अपने शिकार पर बड़ी ताकत से हमला करते हैं और अपनी गहरी प्रतिभा के साथ उसे नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि ये बाज सांप के जहर से नहीं बच पाते और इसीलिए उनके हमलों से बचने के लिए अपनी तेजी और ताकत पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, मैंगूस वर्सेस स्नेक। दोस्तों, इस फुटेज में एक नेवला और किंग कोबरा आमने सामने हैं। इस फुटेज में नेवला किंग कोबरा का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि नेवला सांपों को मारने में बहुत ही माहिर है, इसलिए इस कोबरा को जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसे ये कोबरा अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसे सबसे पहले नेवले से बचना और भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये खुला मैदान है। ये अगली फुटेज क्रूगर नेशनल पार्क की है, जहां नेवला एक ब्लैक मांबा से बचने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक मांबा बहुत ही लंबे होते हैं और ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांप हैं, और अगर इस ब्लैक मांबा ने किसी को काट लिया तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए नेवला सांप को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इस अगली फुटेज में भी इस नेवले ने सांप के सिर पर हमला करके उसे मार दिया है,
हम देख सकते हैं कि सांप पूरी तरह से मर चुका है क्योंकि ये लगातार सांप को मारना जारी रखता है। इस अगली फुटेज में हम नेवले और कोबरे को लड़ते हुए देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये कोबरा बहुत ही गुस्से में लग रहा है और ये बार बार नेवले को काटने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण नेवला वहां से भाग जाता है। यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये सच है। नंबर वन, पाइथन वर्सेस डियर। इस फुटेज में एक अजगर है जिसने हिरण के बच्चे को दबोच रखा है और पास में उसकी माँ है जो सिर्फ देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये देखने में तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। इस अगली फुटेज में भी एक अजगर ने एक हिरण को दबोच रखा है, लेकिन तभी एक आदमी एक टूटे हुए डाल की मदद से उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। और उसकी मेहनत रंग लाती है। इस अगली फुटेज में कुछ हिरण हैं जो बड़ी शांति से पानी पी रहे हैं। अब ऐसे मौकों पर अक्सर मगरमच्छों का हमला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ एक अजगर है जो अचानक इस हिरण पर हमला कर देता है। दोस्तों, यह हमला बहुत ही शानदार है, जिसके बाद यह हिरण अजगर का भोजन बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।